इसीलिए चर्च आना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई चंगाई या सिर्फ बरकत चाहिए, तो ही आना है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही आना है। कई लोग सोचते जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको हम क्या सोच समाचार सुनाए, उनको ज्यादा जरूरत है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में शांति नहीं है। पैसे के कारण, सब कुछ होने के कारण प्रॉब्लम भी बहुत है, मन रिलैक्स नहीं है, शांति नहीं उनके मन में। वो यीशु मसीह दे सकता है क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और सुनो, और वो व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर है, अब उसे कोई बड़ा काम नहीं दिया जाता, अभी केवल चर्च में आना है, प्रभु की हजूरी में बढ़ना है और परमेश्वर से प्राप्त करना है। और अब जब आप आए हो तो आपने एक चीज को जाना कि जब यीशु मसीह को धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए आए, तो आपका जीवन बदलना शुरू होता है धीरे धीरे। चर्च केवल इसीलिए नहीं आना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, चर्च आना इसीलिए जरूरत है कि आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तंदुरुस्त है, आप प्रेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे वो जी हूँ बीमार हाँ जी, हालेलुया भी नहीं निकलता, आमीन निकलता नहीं है जी, बैठ नहीं हुंदा जी, जल्दी बंदगी खत्म होया करे। लिखे जवानी के दिन मुझे याद रख, परमेश्वर कहता है। ऐसा विपत्ति का समय आएगा फिर तो कहेगा मेरा मन नहीं लगता। तो इसीलिए जब भले चंगे हैं आप चर्च में आओ, धन्यवाद करो, आपका बैंक कैसे आत्मिक बैंक बैलेंस स्वर्ग की बैंक में जमा हो रहा है। आप चर्च आए लगातार, आपने बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज प्रेयर करते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं, बीज बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सीखते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, पाप दूर करते हैं। जब आपकी लाइफ में फिर, क्योंकि दुनिया में रहते संकट परेशानी आएंगे, इस शरीर में है तो दुख आएंगे, प्रभु ने भी कहा है। ऐसा नहीं कि बंदा एक यीशु को मानता है उसकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, पर अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, प्रभु ने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और अब आपका संकट आया, आपने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा 6 महीने तू मेरी सुनता आया, मेरी आराधना करता आया, बीज बोता आया, प्रार्थना करता आया, वचन सुनता आया, चलता आया वचन पर, अब मैं तेरी सुनूंगा। अब 2 दिन में 3 दिन में चंगे हो जाओ, उसी वल चंगे हो जाओ, विपत्ति आएगी तो सही ठहरेगी नहीं। कई लोगों को देखा एक ही बुखार हुआ और बिस्तर पर चला गया और 10 साल बिस्तर पर पड़ा रहा, नालियों में अब फूट जा रहा है, एक छोटा सा बुखार, पर वो आपको छोटा सा बुखार 1-2 दिन में थम जाएगा, वो बड़ी बीमारी को जन्म नहीं देगा, क्योंकि आपने कुछ कमाया है प्रभु के राज्य में, भक्ति सब बातों के लिए लाभ दे। इसलिए चर्च आना जरूरी है। आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आना है, नो, जब प्रॉब्लम नहीं है उस समय आराधना करो, क्योंकि आप कर पाएंगे, बाइबल पढ़ पाएंगे, प्रेयर कर पाएंगे, इजी आ पाएंगे। तो एक तो वो आने नहीं देगा, सुरक्षा भी करेगा, वायदा किया है, अगर आएगी भी तो खड़ी नहीं रह पाएगी, परंतु धर्मी को प्रभु हर विपत्ति से निकाल लाता है, बाइबल में लिखा है, आपको निकाल लाएगा वो। तो इसलिए बीते समय आपने बहुत कुछ किया, पर अब आपने वो करना है जो परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, विश्वास दिखाना है, भरोसा करो, चर्च आओ लगातार, एंड टाइम में मत आओ जब पूरा बीमार हो गया शरीर। आज आपका सिर दर्द है, सिर दर्द आपका छोटा विश्वास से ठीक हो जाएगा, प्रभु आमीन 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 अरसी पिता जी, मेरा आज सिर दर्द 10 साल तो कर रहे से ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब आप चर्च में नहीं आए, प्रभु के पास नहीं आए, बल ताकत लगा रहे हैं, जादू टूने करवा रहे हैं, जो आपके लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदायक होंगे। और जब वो बुखार, इतना बड़ा ट्यूमर बढ़ गया सिर में, अब आ रहे हो चर्च में, अब कह रहे प्रभु दया कर, अब छोटा विश्वास नहीं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा तेरा विश्वास भी चाहिए। छोटा मोटा दर्द ठीक करवाना है, थोड़ा विश्वास से हील हो जाएगा, अगर बड़ा मिरेकल लेना है तो बड़ा फेथ भी चाहिए होता है। तो इसीलिए फेथ में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, प्रभु का तरीका सरल और इजी है चंगाई लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, बरकत लेने के लिए। बस अपना जीवन यीशु को दे दो, वो मिट्टी जिंदगी को सोना बना देगा यीशु के नाम। और अगला कारण है, चौथा लोग कारण है आपकी चंगाई ना होने का। मरकुस 10 अध्याय उसकी 48 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है एक अंधा बर्तमाई यीशु को पुकार रहा है, रास्ते में यीशु नासरी गुजर रहे हैं, जोर जोर से पुकार रहे, यीशु मुझ पे दया कर।
पर लिखा 48 में बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तब यीशु ने जे कहकर उसे बुलाया, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा, यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो वो अंधा था, लोगों ने कहा, चुप कर क्यों रोड़ा पा रहे हैं? आज लोग आपको रोकते हैं जब आप चर्च में आते। आप चर्च आए, आपको पता लगा यही सच्चाई है, यही मार्ग है, सब ठीक हो रहे, मैं भी हल हो जाना। अब बुआ का फोन आ रहा है, वो मैं लाइव च देखा तू भंगड़े पा रहा है चर्च जाके, बैठ जा टैके घर के बिच, हूं गया ना, लत्तां पड़ देनियां तेरियां। अब पता तो है यीशु सच्चा है, पर लोगों का डर है, फैमिली का डर है, बॉस का डर है, ओ जी आप चर्च इस करके बपतिस्मा नहीं लेता, साडा उठना बैठना थोड़ा जिहा इदां दे लोकां दा नाला, जिते बड़े लंगर प्रसाद खाने पैंदे, साडे तां वड्डे लोग, आपां इहनां च उठना बैठना उह पे मैनूं छड्डणे पै जाणे आ, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लैंदी। लोग ऐसे परमेश्वर को जज करते हैं, लोगों के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो इसीलिए लोग कारण बन जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपकी बीमारी रोग बड़ा नहीं है, क्या कहेंगे लोग? जे बड़ा है प्रॉब्लम तो लोगों ने आज क्या दे दिया? रिश्तेदारों ने क्या दे दिया आपको? ठीक कर दिया, उनके पैसे ने आपको ठीक कर दिया, उनका पैसा आपको फलवंत कर देगा? अरे प्रभु ने कहा, जो मुझे छोड़कर तू पाना जाएगा तो खोएगा। आज रिश्ते कहता है, अरे तू चर्च गया ना, तेन फॉरन के बुलाना नहीं है, तेरा वीजा नहीं लगाना। ठीक है, अगर वीजा का लग भी गया, यीशु तो मनिया नहीं, वीजा तो लग गया, कहता लै तो बल्ले बल्ले हो गई, अरे उत्थे गुलाम बना के रख लिया, पासपोर्ट ले लिया, चल काम कर फ्री दे, साडा कोई तनख्वाह नहीं मिलनी। धोखा, लोगों को कुछ करेंगे लोग धोखा देंगे, पर प्रभु कहता जो सब कुछ त्याग के मेरे पास आता है मैं उसे अपने सामने से कभी ना निकालूंगा। चाहे आप पाप भी करें वो आपको उठा के खड़ा करेगा, आप बीमार भी हो गए वो आपको चंगा करके खड़ा करेगा, संकट में वो आपके संग रहेगा। कहता जो मेरे पास आएगा मैं उसके अपने सामने से कभी ना निकालूंगा। आपको पता है प्रभु कभी नहीं छोड़ता। कहता तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, उसने वायदा किया है। ऐसा है कोई प्रभु जो वायदा करे तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा? ऐसे तो बहुत सारे, इस दिन को जे चढ़ावा ना चढ़ाया जे तुझ पर भारी पड़ जाएगा। ओ जी आज तो मेरा जी वो दहने आ जी, आ ना किता मेरे तेरे पुट्ठा पै जूगा जी। यीशु ऐसा नहीं है, तो तू चर्च आ नहीं आना ना, मैं तुझसे बुरा नहीं करूंगा, पर बुरा करने वाला शैतान है। मैं चाहता हूं कि तू उससे हाथ से छूट के मेरे पंखों के नीचे रह, कि तेरी मैं सुरक्षा करूं और तुझे बढ़ाता जाऊं और तुझे इतनी सामर्थ दूं कि शैतान के ऊपर तुझे अधिकार दे दूं मैं। फैसले करें अपनी लाइफ में, जिस तरह पिछले संडे किया, पिछले संडे लोगों को आपने देखा, आर की जब पार की, सचमुच प्रभु की साल्वेशन उद्धार काम किया, 25 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया पिछले संडे। टीम को पूछा मैंने, कहा कितने बपतिस्मे, कितने लोग आज यीशु को जीवन दे रहे? कहते जी 25 से ज्यादा है। मैंने फील किया, मैंने कहा स्वर्ग में स्वर्गदूत स्वर्गीय ड्रम सेट गिटार ऐसे सेट कर रहे होगे, ट्यून कर रहे होगे कि अब खुशियां मनाएंगे, अब 25 लोग स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, शैतान के हाथ से छूट चुके हैं। मैंने ऐसे महसूस किया, अरे प्रभु खुशियां मनाता जब एक व्यक्ति भी शैतान से पाप से मूर्ति पूजा छूट के सच्चे परमेश्वर के पास आ जाता है, खुशियां मनाई जाती है स्वर्ग में। कितनी अच्छी बात है, और वो आपको सामने से कभी निकालेगा नहीं, आप छोड़ भी देंगे ना वो फिर आपके ऊपर कृपा करेगा। अगर आपका वो बाप बनेगा तो आपका वो ख्याल भी रखेगा। अगर मेरा वो बाप है, आज तक मेरा वो ख्याल भी रखता आया है, वो ख्याल भी रखता आया है, हालेलुया, वो आपका ख्याल रखेगा अगर आप उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि आप उसके काम के हैं, आपको चुना गया खास कामों के लिए जब आप चर्च में आते हैं। तो इसलिए आगे बहुत सारी बातें आयतों को लिखें, चलो जल्दी लिखना शुरू करें। गलत शिक्षा जो आपकी हीलिंग को रोकती है, मरकुस उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक और 7 अध्याय की 13 आयत मरकुस की, वहां पर एक औरत यीशु ने वहां पर चंगा किया, वो कहते ले सब्बत दिन थोड़ा एक सुखे हाथ वाला व्यक्ति था, लोगों ने बोला ले
यीशु ने उसे कहा अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ सूखा था ऐसे, उसने हाथ बढ़ाया ऐसे, उसका हाथ सीधा हो गया उसी वक्त सीधा हो गया। ये चमत्कार आपके अंदर फेथ पैदा कर रहे हैं, जब मैं प्रेयर करूंगा आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु के नाम। उसका हाथ सीधा हो गया, पर यीशु ने कुछ कहा, अपना हाथ बढ़ा। प्रभु के चमत्कार को पहले आपका कदम होता है कि आप कदम बढ़ाते। पिछली बार बोला गया कौन लोग जीवन देना चाहते, लोग आगे आए, उन्होंने कदम बढ़ाया, देखना वो अब लोग गवाही के साथ वापस आएंगे। अब प्रभु की बारी है, वो अपना रोल पूरा कर चुके, प्रभु को बता मेरी जिम्मेवारी, जी अपना जीवन मुझे देके जा चुके, अब मेरी जिम्मेवारी इनके जिनमें अपनी महिमा को दिखाना, अपने आप को प्रकट करना। लोग कहने लो ले सबद दिन चंगा थोड़ा करीदा यीशु मसीह, तू की करदा सबद दिन चंगा करता, ये नहीं देखे वो एड्डा वड्डा काम असी पहली बार देखिया। कहते रूल दे विच बंदे गलत शिक्षा, कई वक्त आप संसार में घूम के आते हैं बहुत गलत शिक्षा, रीति रिवाजों में दबे हुए, ये दिन ये नहीं करना, ये दिन वो नहीं करना, इस दिन कटिंग नहीं करवानी, इस दिन काम नहीं करना, ये इस दिन घर से निकलना नहीं है, इस दिन ये 5 बजे पौने पौने करके निकलना नहीं है, बिल्ली रास्ता कट गई, ये हो गया वो हो गया, दूध डुल गया ये हो गया वो, अरे कुछ नहीं, सब दिन परमेश्वर ने बनाया, सब दिन ब्लेस है, कोई भी अशुद्ध नहीं है, कोई बेकार नहीं है, उसने बेकार नहीं बनाया, उसने कहा सब कुछ अच्छा है, सब दिन अच्छे हैं, ये दिन ये नहीं करना, ये दिन वो नहीं करना, अरे सब उसके बनाए हुए, अरे तुझे देखता है वो हर वक्त, हर दिन देखता है, तो वो देखता है आपको, ये ज्ञान आपको फ्री करेगा। जी आपका अभी ऑपरेशन, आपको लगता है ये प्रीच है, ये प्रचार नहीं, अभी हीलिंग ऑपरेशन हो रहा है, जब मैंने बोला हाथ ऐसे बढ़ा ना, किसी का हीलिंग ऑपरेशन हुआ है अभी, किसी का पेट का रोग जा चुका है अभी इसी वक्त, आपके पेट में दर्द होता था और लगातार उस वो दर्द आपको नहीं पता लगा वो कौन सा दर्द था। आप यहां पर गवाही के साथ वापस आने वाले, मैं नहीं चाहता आज ही गवाही दे, चेक करो हफ्ता 10 दिन 20 दिन आप उस यहां पर आपके दर्द होता था और वो पता नहीं कोई बड़ी बीमारी थी, अभी हील हो चुकी है वो वचन के द्वारा। तो ये ऑपरेशन हो रहा है आपका, हीलिंग ऑपरेशन, आत्मिक ऑपरेशन, जिसमें आपने देखा रसौलियां लोगों की निकलती हुई चर्च में, सोचो जो रसौली एक ब्लड जमा हो कितना गुच्छा बन चुका है, नाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ, डॉक्टर कितना ऑपरेशन करते हैं, स्वर्गदूत कैसे उस रसौली को सीधा बिना काट पाट के बिना ऑपरेशन के ऐसे बाहर निकाल के फेंक देते। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को आप जानते नहीं, समझते हैं, घमंड करो उस परमेश्वर को, आप प्राप्त कर चुके उसे, हालेलुया। तो ऐसी गलत शिक्षाएं जो बंधनों रीति रिवाजों में आप फंसे हुए हैं, जो आपको सच्चाई प्रभु यीशु के पास आने से रोकते हैं, जो आपके चमत्कार को रोकते हैं। शेमी पॉइंट, अविश्वास, पढ़ेंगे आपके मरकुस 11:22-24, याकूब 5:14-16 और पढ़ेंगे मरकुस 6:3-6, मरकुस 9:19-23-24। यहां पर अविश्वास, एक जगह यीशु मसीह अपने लोगों में लिखा बड़े चमत्कार नहीं कर पाया, कुछ लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया और चला गया, वहां पर यीशु ने को बड़ा चमत्कार नहीं किया। क्या यीशु की सामर्थ कम हो चुकी है? क्या यीशु की ताकत कम हो चुकी है? बोलो नहीं, वो सबसे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। क्यों नहीं कर पाया चमत्कार वहां पर? उनके अविश्वास के कारण। उन्होंने कहा ए वो जोसफ का बेटा नहीं है, यदि माता वो नहीं है जड़ी, यदि भैन वो नहीं जड़ी अपने काम कर दी होंगे, उसे आम जाना। कई वक्त लोग जब आम लेते वहां पर मिरकल नहीं ले पाते, आप मिलने के लिए तरस रहे हो, कई बार आपको पता है मैनोगढ़ से एक बार मिल लिया जब ले एंड हो गया ये हल हो जाना है। मेरी टीम जो आसपास हमेशा रहती वो फेथ नहीं दिखा सकती क्योंकि मुश्किल है उनके लिए, कई वक्त नॉर्मल हो सकता है, हम तो रोज देखते हैं ये काम, उनको फेथ दिखाना कई बार मुश्किल हो जाता है, उनको अलग तरह का फेथ दिखाना पड़ता है, वो फेथ नहीं जो आप दिखा रहे हैं, आपको पता है। और जब लिखा जो मेरे सेवक को एक गिलास, सेवक समझ के एक गिलास पानी का भी पिलाए वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। आपको अनॉइंटिंग को दास को दास समझना होता है, पास्टर सेवक प्रभु का दास सेवा करने वाला समझना होता है। जब आप अनॉइंटिंग के सामने एक्साइटमेंट दिखाते हैं फिर आप हीलिंग को लेते हैं। और यीशु को लाइटली ले लिया, यीशु वहां पर चमत्कार नहीं कर पाए, यीशु को आम ले लिया कि हमारे बीच में जन्मा पला है। और यीशु ने कहा कोई भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता,
इसलिए आप अपनी फैमिली में हीलिंग नहीं कर पाते, इसलिए आपका अपने घराने में काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लाइटली लेते हैं, वो आपकी नॉइंटी को समझ नहीं पाते, बाहर वाला समझ पाता है। आज मैं आपके बीच में हूं, अगर मैं बाहर क्रूसड करने जाऊं वहां पर बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। क्यों? वो नए लोग हैं, वो फेथ दिखाते हैं, प्रभु का दास यहां से आया जिसे हम लाइव देखते हैं, यहां से वो एक फेथ दिखाकर आते हैं, इसलिए इंस्टेंट हीलिंग होती है वहां पर बड़ी बड़ी। अगर वही फेथ आप यहां दिखाएं तो बड़े चमत्कार आपके बीच में पैदा होंगे। जो प्रीच है, जो आपको हील कर रहे हैं, आपको दिखाना पड़ता अपने फेथ को, अपने विश्वास को। हालेलुया, अपने फेथ को, अपने विश्वास को। तो अविश्वास, एक प्रभु कहता वो मेरे बच्चे ने दुष्ट आत्मा सता रहा, अगर तू कुछ उपाय कर सकता था कर। प्रभु ने कहा आखिरी गल हुई, अगर कुछ कर सकता ये तुसी बच्चे पढ़ोगे, विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। ओ सॉरी सॉरी प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, मैं विश्वास विश्वास ना नहीं तेरे सामने गल बोली। जब आप मेनू गोड़ के सब सामने आते हैं, आपके शब्द निर्धारित करते हैं आपके साथ कैसा प्रोफेटिक वर्ड वो देगा। कई बार लोग मिलते हैं, मैंने टॉपिक पूछा, हां जी किस बात के लिए मिलना चाहते हैं, आपके शब्दों पर निर्धारित करता है प्रभु आपके साथ क्या करेगा, आपकी एक्साइटमेंट के अनुसार होता है आपके साथ, आपके फेथ के अनुसार होता है। हालेलुया, फेथ के साथ होता है। और क्या वहां पर यीशु ने उसने कहा मेरी अविश्वास का उपाय कर। अविश्वास आपका मिरेकल को रोकता है। शक प्रभु के सामर्थ पर, शक प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। आपको लगता है वो मेरे हालात मरे ही जाना, मैं था प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो, प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। प्रार्थना करो, हालेलुया। और उसके बाद आपका सबाब और अज्ञानता, आपका सबाब और अज्ञानता, पहला कुरिन्थियों उसकी 11 की 29 और 30 आयत, पहला कुरिन्थियों 11 की 29 और 30 आयत। तो कुछ शारीरिक दर्द आपकी लाइफ में रहते हैं, उसे आप पढ़ेंगे। गलातियां 4 की 13, पहला तिमोथियस 5 की 23, दूसरा तिमोथियस 4 की 20। और कुछ लोगों को प्रभु जो बीमारी में तड़फ रहे होते हैं, प्रभु उन्हें कई वक्त उठा लेता है अपने पास कि जिस संसार का दुख ना उठाएं, वो पढ़ेंगे। दूसरा राजा 13 की 14, दूसरा राजा 13 की 14। कई बार लोग तड़प रहे होते हैं, आप हमेशा यही नहीं प्रेयर करेंगे ओ प्रभु इन बचा ला, इन जिंदा कर दे। कोई जो खुद दुखों में तड़प रहा है, आप उनके लिए ये नहीं प्रेयर करेंगे ये इसे बचा ला, इसे जो खुद मौत के दुखों से तड़प रहा है, जो सयाना हो चुका है, 90-100 का हो रहा है, कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर आप प्रभु की मर्जी मांगो, ये अच्छा है। कई लोग देखा बस प्रभु तेनू मुर्दा जिंदा है करना ही पैना, अरे जिंदा हो गया, बाद में इतने नशे कर रहा है, आपको तंग कर दिया उसने, पहले तो स्वर्ग जाने वाला था, अब जिंदा हो गए जो पाप किए। प्रभु कहते हैं इससे अच्छा तेरी चंगियाई ना मिलती, चंगियाई पाने की चंगी, तेरी आंखों की चंगियाई नहीं थी, चर्च में तेरी आंखें हील हो चुकी, अब तू गंदी मूवी देख रहा है, इससे अच्छा तो चंगा ना होता। तेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, तू प्रार्थना करता था, अब तुझे मैंने चर्च में आके ब्लेस कर दिया, अब तू बिजनेस में बिजी है, इससे अच्छा तू पहले था। तेरे पास बच्चा नहीं था, तू चर्च में रो रो के प्रार्थना करता था, मेरे साथ बैठता था, 4-4 घंटे बैठती थी, अब बच्चा मिल चुका, बच्चे को खिलाने में व्यस्त है। अरे माँ ने जिसको जन्म दिया है वो मरी पड़ी है पूरी, आपको पता है बच्चे जन्म देने में कितनी दुखी होती, वो बेड पे पड़े, उसकी किसी को परवाह नहीं, ओ जी बच्चा होया बच्चा होया, सब बच्चे नु आगे प्यार देने लग पड़े, अरे माँ का भी ख्याल रख लो जिन्हें जन्म देता। तो कई वक्त क्या लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को आशीष लेने के बाद, इसी वक्त कई वक्त प्रभु वेट करते हैं आपकी आशीष, पहले जो मुझ में मजबूत हो जाए, जे आशीष पाने के बाद ही मुझे छोड़े ना और मेरी आराधना करे तब मैं इसे आशीष दूंगा, उसकी प्लानिंग है, समझो ये प्रचार में आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कई लोग तड़फ रहे होते हैं। जब मेरी घर में मेरी ताई जी को दम अटैक हुआ ब्रेन का, उन्हें सियाने थे, बिस्तर पर थे, बीमार थे, और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, अचानक में मेरे मन में आया 5 उपवास रख, और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं किस हॉस्पिटल लेके कहाँ लेके जाना है, 5 उपवास, मैंने कहा प्रभु 5 उपवास आज से मेरे, और मैं हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ उन्हें लेकर, उस समय सेवा में इतना ज़्यादा नहीं था मैं, और घूम रहा था लेके उन्हें, और प्रभु का धन्यवाद उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, और उन्हें घूम रहा हूँ लेके, और अब वो ऐसे बिस्तर पर है, अब मुझे समय कोई कहता चंडीगढ़ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ,
कुछ भी नहीं होगा, जाओ ऐसे ही रहेंगे बिस्तर पर। मैंने कहा अगर प्रभु तू चंगा करे तेरे नु पूरी रीति ना करन, ये ना होवे कि सारी जिंदगी बिस्तर ते तड़पते रहन। तेरी मैं नहीं जानता, तेरी मर्जी पूरी होए, तेरी इच्छा इन्हां दी जिंदगी दे विच पूरी होए। तू भला जानता है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी होवे इन्हां दी जिंदगी दे विच, तेरी इच्छा पूरी होए। और मैं समझ गया था जब 5 उपवास पूरे हुए उसके बाद वो खत्म हो गए और प्रभु के पास चले गए। खुशी इस बात की है कि वो प्रभु के पास है, मैं भी मिलेंगे, हम आत्मा में हम मिलेंगे, देखेंगे एक दूसरे को, पर ये फीलिंग्स नहीं होगी जो यहाँ पर है। फीलिंग एक ही होगी बस, हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र, महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पवित्र। बस आराधना ही करते होंगे, पहचानते जरूर होंगे जो प्रभु में होके एक दूसरे मरे हैं बपतिस्मा ले। तो इसीलिए प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु के हाथों में दो। प्रभु को उसकी आने वाली लाइफ पता है, बीता कल पता है, आपको नहीं पता, वो आने वाली बातों को जानता है कि आप बीतने वाला है। इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं ऐसा हो, पर हमारी नहीं आप ही की मर्जी पूरी हो। आप अपनी इच्छा बता सकते हैं पर हमारी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। फाइट मत करो यहोवा से, लड़ो मत यहोवा से, क्योंकि उसकी योजना भली है। कई दासों को प्रभु ने उठा लिया, हनोक को जिंदा उठा लिया कि उसे संसार का दुख भी ना देखने दिया एक टाइम, तो इतना प्रिय उसने प्रसन्न किया यहोवा को। तो इसीलिए कई वक्त दुख में व्यक्ति तड़प रहा होता है। तो मैं आपको बताऊं, कई वक्त ऐसा भी हुआ, कई बार लोग तड़प रहे हैं और वो तड़प रहे हैं और शैतान उसको उस बांधे हुए हैं और उसके तरफ पूरी फैमिली को बांधे और बंधनों में बांधे हुए और गरीबी में लेके जाने में, और व्यक्ति भी होश में नहीं है, तड़प रहा है। अब क्या है, उसकी लाइफ में प्रभु की इच्छा को मांगो, प्रभु तेरी मर्जी, तेरी कृपा इस व्यक्ति पर हो, वो तेरी कैसी भी कृपा हो, एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथों में जरूर सौंपो। इसलिए जो व्यक्ति लास्ट स्टेज पर होता है, चर्च में आता है, हम उसे यूर बोलते हैं, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। संसार में तो दुख पाया ही पाया आपने, पाप में रहकर ऐसा ना हो कि नरक में भी जाओ। पहले आत्मा के बारे में सोच लो, शरीर की चंगाई तो प्रभु की मर्जी है, किसको प्रभु ने चंगा करना है, ठीक है। तो आपकी आत्मा जरूरी है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, बपतिस्मा जरूरी है। पता नहीं कब किसी के साथ क्या हो जाए, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया नरक में जाएंगे, शैतान के हाथों में जाएंगे। सादा तड़पना खत्म नहीं, आग खत्म नहीं होगी, जहां पर 70-80 साल लगे मर जाएंगे, वो मौत कभी खत्म नहीं होगी। तो इन चीजों को परमेश्वर के हाथों में दो। एक प्रभु के दास की रास्ते में जा रहे हैं, उनके बच्ची एक बेटी थी जब साथ में जा रही थी फैमिली में, वो एक्सीडेंट हो गया, मर गई। वो प्रेयर काफी कर रहे, सब प्रभु के दास आ रहे, बड़े दास है, कोई हील नहीं हो रही, जिंदा नहीं हो रही। उन्होंने सब सेवा छोड़ दी, निराश हो गए, प्रभु ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, हम तो तेरी सेवा करते, कैसे हो गया। एक दिन प्रभु ने बात की, क्यों लोगों के दुखों को, लोगों की परेशानियों को तूने दूर करना बंद कर दिया, तेरी बेटी देख, दर्शन दिया, मेरी गोद में है, मेरे पास है, सुरक्षित है, आरामदायक जगह में, स्वर्ग में। आप कहते क्यों उठा लिया, आपको नहीं पता स्वर्ग कितनी अच्छी भली जगह है। और जितने लोग यीशु मसीह को मानते, हम खुद प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जल्दी आ जा, ले जाए, क्योंकि हमने कुछ नहीं, सबने ही मरना उस समय। तो यीशु आ जा जल्दी, ले जाए अपने पास, यहां पर तो सुख दुख बहुत कुछ है दुनिया में तो, पर वहां पर सदा की जिंदगी है। जल्दी आ और सब लोगों को बचा के अपने लोगों को ले जा अपने पास।